अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सब लोग आप ठीक होंगे। आज हम ऊपर आए हैं छत पर, आज ये मिस्त्री काम कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत मजा है, ठंडी हवा चल रही है। अच्छा यार, और यार क्या करूं यार आपसे, बस हवा निकल गई। इसको मैंने व्लॉग सिखाया है थोड़ा बहुत, तो इन फ्यूचर मैं भी ये जो व्लॉग बनाए। इंट्रो तो हो गया, आपको अगर ये इंट्रो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नहीं नहीं बारिश। कौन अब ये बोला, तुम सीखे हुए हो, मैंने किससे सीखा आप बताओ। मैंने भी तो ये रोज ये व्लॉगिंग कर करके सीखा ना, किसी ने सिखाया तो नहीं। अभी इसका थोड़ा इंटरेस्ट इंट्रो हो गया और इसने आपको कुछ बताया कि काम चल रहा है। मैंने आपको प्रॉमिस भी किया हुआ था कि मैं आपको दिखाऊंगा ये ऊपर वाली छत पे, तो ऊपर वाले कमरे भी तैयार हो गए थे और ये अभी काम पर चल रहा है। इसकी छत हो गई है वो नाजुक वाली छत, क्या बोलते हैं, कच्ची वाली। अभी ईंटें वगैरह तो लग रही हैं यहाँ पर, मैं नीचे चल के आपको इसकी डिटेल देता हूँ, क्या क्या रूम वगैरह की डिटेल देता हूँ। और अभी आप यहाँ से देखिए ना, माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ खड़ा होके देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। खड़ा होके यहाँ मेरे ख्याल से खड़ा होके थंबनेल ले लूँ और वो वीडियो में लगा दूँ। ये नवा नहीं कर दे पैसे थी। अभी ये सीढ़ियाँ भी इधर लग चुकी हैं, ये देखिए इधर ऊपर छत को जा रही है ये भी। और यहाँ भी चलें तो आपको ये देखें, फ्लैश ऑन करूँ कोई मसला ही नहीं यार, ये फ्लैश ऑन करता हूँ, मैंने कवर नहीं उतारा हुआ है, एक ही कवर उतार लूँ। अभी कवर उतार लिया है, अभी जो है वीडियो अच्छी आएगी क्योंकि कवर में, और ये क्या होता है, ये वाली साइड जो है उसमें फ्लैश लगती है, फिर वो शेड छोड़ती है ऐसे धुंधला। इसकी बात करें बाद में, अभी इसकी छत भी लग गई और ये इनों के इससे भी भरने हैं। ये देखें फॉर एग्जांपल ये तो ये जो है इससे रहते हैं छत पर हो गई है कच्ची वाली। अभी इसके ऊपर चार दीवारी जैसे निकालते हैं ना वो निकली, और दूसरा कमरा ये है मेरे ख्याल से आपको, हाँ ये दिखा दो मेरे ख्याल से आपको, हाँ ये जा रही है सीढ़ी ये ऊपर यूँ, और ये जो हिस्सा है बच रहा था तो इसको हमने वॉशरूम कर दिया, अटैच बाथरूम, बस बेटा बहुत अटैच बाथरूम कमरे का। तो बाहर खड़ा होकर मैं आपको दिखाता हूँ, क्लियर नज़र आएगा आपको। ये एक रूम, ये दूसरा रूम और ये तीसरा रूम। और दादा मुझे देख के असर है, मेरा दादा जान ये बैठा है माशाल्लाह, वाज वाह सुभान अल्लाह। तो और ये जो हिस्सा है आपको मैं इधर खड़ा होकर दिखा देता हूँ, ये देखें गैलरी यहाँ पे, और ये सारा जो है और ये इसको हाल है, अंदर ये हाल है वहाँ तक। अभी वो आपको देख रही है सामने भी, वो भी गैलरी है, मैं आपको थोड़ा नीचे का अभी देखें आप, वो भी सामने गैलरी है। तो ये इधर कुछ सीमेंट तैयार हो रहा है इधर करके, और उधर करके वो उधर किचन है उसमें जो लग रही है सीमेंट, वो मज़दूर लोग काम कर रहे हैं। और जो इस गेट की मेन एंट्री है वो ये नीचे वाले घर, नीचे वाला को आपको दिखा दिया है, वो सामने वाला मेन गेट है और फिर ये जो है सीढ़ियों का गेट है, ये देखें ये सीढ़ी नीचे जा रही सीधी, वो सीढ़ी यूँ करके ऊपर जा रही है यूँ करके, ठीक है। तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ, और ये जो हिस्सा है ये सारा हिस्सा जो है हॉल का ही है, क्योंकि हॉल यहाँ देखें यहाँ से यूं करके आ रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ से भी जा रहा है हॉल, और ये कुछ शेड की डिज़ाइनिंग है यूं देखें आप। अभी चलते हैं थोड़ा आगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे देखें गैलरी की निशानी आपको मैंने दिखा दिया था पहले भी, और ये स्टोर रूम है बड़ा है, कितना बड़ा है, ओए होए होए ये स्टोर रूम है इतना बड़ा। पहले सोच रहे थे हम किचन इसको ये कर दें, फिर हमने ख्याल आया कि ये साथ ही इसके बाथरूम में, और आप सोच रहे बाथरूम में ये कौन सी खिड़की लगा दिए, अच्छा हमको सिखा रिया है। तो इसके साथ बाथरूम था तो हमने किचन सही नहीं समझा, सारी बदबू आ जाएगी। अच्छा, और ये जो ऐसा है मैं आपको क्लियर कर दूं, ये खुला हुआ है
ये यूं करके आप निकल सकते हैं यहाँ पे। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल, क्योंकि यहाँ से जो है हम अभी काम कर रहे हैं तो दो दो सीढ़ी, अभी यहाँ से हमारी दो सीढ़ी नीचे है और दो सीढ़ी ये चढ़नी है, तो आप बताएं हालत कैसी हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए ये छोड़ दिया है, पानी खाना वगैरह चाय वगैरह यहाँ से जाके देते हैं। अभी अब बैठा हुआ है धूप पे, वो देखिए अबू बैठा है सामने। अरे हो अभी ब्लॉग करता हूँ सबके सामने, अभी कोई भी जो है वो नहीं आता। वैसे सही कहते थे जो लोग, मैंने यूट्यूब के ब्लॉग देखता था, बहुत से लोग थे तो वो अल्लाह अकबर यार, मुझे थोड़ा जुकाम भी है फ्लू भी है, तो लोग सही कहते थे कि आप अगर जो है शुरू शुरू में वीडियो रिकॉर्ड कराएंगे ना तो आपको जो है कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो उसी है स्लोली स्लोली आ जाता है। तो फाइनली वही बात हुई कि मुझे भी आ गया, मुझे कोई अभी जो है वो नहीं था शक शोभा किसी किस्म का, जो भी जो कि नहीं होना चाहिए भी वीडियो के दौरान। तो अभी आपको मैंने जगह दिखा दी थी, ये देखिए सामने अभी जो है वो जो ठेकेदार है जो इसका ठेका लिया हुआ है वो भी नहीं है, वो आता है तो उससे आप आगे काम पूछेंगे हम भी और आपको भी बताएंगे, ठीक है। वो अभी आएगा शाम को चाय पीने, उससे चाय पीने आता है यहाँ पर तो जब वो आएगा शाम को फिर उससे, और ऊपर वाला नक्शा मुझे नहीं पता है तो ऊपर वाला क्या क्या काम रहता है, क्या करना है क्या नहीं, वो आपको बता दूँगा, ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो फिलहाल यहाँ पे किसी की ये देखा आप सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो सामने डायमंड हॉल है, वो सामने वो ये दीवार है ना, ये इसके नीचे ऐसे डायमंड हॉल है, बड़ा सा हॉल है, उसमें जो है कोई मैरिज है या नहीं दावत है, तो वहाँ पे आए हुए लोग बहुत ज़्यादा, वहाँ से जो है लाउडों की आवाज़ आ रही सॉन्ग्स की, तो अभी बंद हो गई है वरना बहुत आ रही थी, तो कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता था पर बच गए वो बंद हो गया कुदरत देखो। तो अभी अभी मैंने नमाज भी पढ़ी थी, तो वो सही सामने मस्जिद, ये आपको सब कुछ मैंने दिखा दिया पहले ही, तो नमाज पढ़ ली थी फिर मैंने आके थोड़ी देर यहाँ पे वो किया रिकॉर्ड किया नमाज, तो टाइम हो गए अभी, तो आप टाइम को देख सकते हैं, देखिए टाइम कितना हो रहा है, तीन हो रहे हैं, तीन दो बजे यहाँ पर नमाज है, तो मैंने घंटा डेढ़ यहाँ पर थोड़ा वॉक किया, देन उसके बाद जो है मैंने ब्लॉग शुरू किया। तो मैं कहता हूँ आपको ये इंट्रो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट बता दीजिए जाइएगा, और इसको भी मैं ब्लॉग सिखाऊंगा, ये मेरा कज़न का भाई है, सिखाऊंगा इन्होंने लोग वीडियो ये भी रिकॉर्ड करें ब्लॉग, इसको क्या क्या होता है ना कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है इससे। मिलते हैं आपसे बाद में, अभी के लिए भाई। फिलहाल नमाज हमने पढ़ ली अभी अभी जो है मगरिब की नमाज हमने पढ़ ली, रात हो गई थी तो थंबनेल मैंने निकाल लिया था, मुझे पता था थंबनेल ये लेट हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने क्या किया जल्दी जल्दी से थंबनेल मैंने निकाल लिया था। अभी जो है ऊपर चलते हैं जगह पे, ओए होए 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 ओए होए होए, थोड़ी लाइट में चलें फिर मैं आपको बाकी डिटेल देता हूँ। हाँ यहाँ पे तो मुझे पता था ये रात देर हो जाएगी, थंबनेल मेरा नहीं निकलेगा, इसलिए मैंने लड़के को बुला के थंबनेल निकाल लिया था। अब सही आवाज़ नहीं इस वजह से कमरे की वजह से, और इसको भी जो है ये ब्लॉक हमने लगा लिया था, देखो कितना माशाल्लाह अच्छा बना। तो अभी वो जब मैं आपको बताया था कि मिस्त्री आए उसे पूछेंगे कि कौन कौन से काम रहते हैं, तो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन वो अभी आया है बाहर खड़ा है, वो रात भी हो गई है, हमारे छत पे होता तो काम हम पूछते, तो इंशाल्लाह कल वो आपको डिटेल दे के मैं बता दूंगा कौन कौन से काम और रहते हैं इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। और भाई जिसने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, वीडियो को एड करना था बाकी, तो मैंने सोचा वीडियो को एंड कर, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, जिस जिससे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया जल्दी से फॉलो करेगा, बहुत सारे अल्लाह।